हेलो फ्रेंड्स, अवेंजर्स एंड गेम जिसको भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारियां शुरू हैं। इस मूवी को बेहतरीन डबिंग के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अवेंजर्स एंड गेम की टीम। आपको जानकर इस बात की खुशी होगी कि इस बार अवेंजर्स एंड गेम के तमिल वर्जन के लिए डायलॉग कौन लिख रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 अप्रैल 2019 को सिनेमाघरों पर रिलीज होने वाली मूवी अवेंजर्स एंड गेम की, किसको कौन कौन सी लैंग्वेज में भारत में रिलीज किया जा रहा है और इसके डायलॉग कौन दे रहा है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वेल फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता दें कि अवेंजर्स एंड गेम जिसका बजट करीब 400 मिलियन US डॉलर के करीब रखा गया है और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं एंथनी रोसो और जॉय रोसो, जबकि प्रोड्यूस कर रहे हैं केविन फिग। एक बहुत बड़ी और बहुत महंगी स्टार कास्ट वाली ये मूवी जिसमें रॉबर्ट डॉइनी और क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रुफालो, क्रिस इवान, स्कारलेट बेंडिक्ट, डॉन चिडल और टॉम हॉलैंड जैसे बड़े एक्टर्स शामिल हैं। और मार्वल स्टूडियोज की मूवी को न सिर्फ इंग्लिश बल्कि हिंदी, तेलुगु, तमिल में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है इसका बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रहने वाले कलेक्शन में। यही वजह है कि मार्वल स्टूडियोज इस मूवी को भारत में रिलीज करने के लिए खासा सीरियस रहते हैं। इसी बात को लेकर इस बार इस मूवी के तमिल के लिए डायलॉग लिखने के लिए हायर किया गया है भारत की मशहूर फिल्में गजनी और हॉलीडे के डायरेक्टर A.R. मुरुगादास को, और उनको तमिल में इस मूवी के डायलॉग लिखने के लिए भारी फीस भी अदा की गई है। आपको बता दें कि अवेंजर्स एंड गेम इस साल भी हिंदी, तेलुगु, तमिल और इंग्लिश में रिलीज की जाएगी भारत भर में। अवेंजर्स इन्फिनिटी वार जो कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाए हुए थी और हाईएस्ट ग्रोसिंग की मूवी में टॉप 5 में भी थी, तो अवेंजर्स एंड गेम से उससे भी बढ़कर एक्सपेक्टेशंस हैं और आप इस मूवी का टीजर भी देख चुके हैं। तो फ्रेंड, आपको कितना है इंतजार अवेंजर्स एंड गेम का और आप मार्वल स्टूडियोज की मूवीज के कितने बड़े फैन हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पोस्ट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अवेंजर्स एंड गेम से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।